देखो, अगर मुल्क पे बात आती है ना, पूरी आवाम की बात आती है, तो फिर हमें अपनी ईगो एटीट्यूड एक साइड रख के उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए कि मतलब एग्रीकल्चर कंट्रियों के भी हमारे पास कुछ नहीं है तो भाई लानत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, हमारा जो मुल्क है इसमें इस वक्त गंदम की काफ़ी शॉर्टेज नज़र आ रही है और लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ने कहा है कि हमारे पास 50 से 70 मन जो कह लें कि गंदम है वो अवेलेबल है, अगर पाकिस्तान हमसे मदद मांगना चाहता है तो मांग ले, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान अब क्या करेगा इस चीज़ को लेकर कि या मुल्क की हालत मज़ीद बद से बदतर देखना पसंद करेगा वो? देखो, अगर मुल्क पे बात आती है ना, पूरी आवाम की बात आती है, तो फिर हमें अपनी ईगो एटीट्यूड एक साइड रख के उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए। बेहतर इससे कि आपकी आवाम भूखी मर रही है, ठीक है, वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं ना। लोग ज़्यादातर कहते हैं, किसी से बात करें, वो कहेंगे नहीं हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने ही नहीं लेनी। हमारा दुश्मन मुल्क ना, देखो वो ये देखो, आपके इस हालात में वो आपका साथ दे रहा है, वो हमारा साथ दे रहा है। उसने कहा भी है कि अगर पाकिस्तान कुछ तवक्को कर रहा है हमसे मदद की, तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे मुल्क में लैक कर रही है। हम लोगों के साथ ट्रेड करते थे वीट के अंदर, रशिया को देते थे, लेकिन अब हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम रशिया के साथ भी ट्रेड कर सकें। मतलब हमारे मुल्क में खुद खाने पीने की इतनी शॉर्टेज हुई हुई है, तो मदद लेने की जब बारी आती है तो पाकिस्तान इंडिया से तो कभी मदद लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। बढ़ा लेगा पाकिस्तान, ये ना कि कभी हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, यहाँ के जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब हैं अभी फ़िलहाल मौजूदा, वो बढ़ा लेंगे हाथ, क्योंकि उन्होंने दुबई में जाके कह दिया था मैं मांगना नहीं चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो फिर इंडिया के कैसी शर्म बताए ना, इंडिया के कैसी शर्म? शर्म शर्म आती है हम लोगों को, इसलिए तो हम लोग मांगने चले जाते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है हमें पैसे चाहिए, ये सब कुछ मांगने के लिए हम लोग चले, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए हम लोग नहीं जाते मांगने। ये इनकी फितरत है, ठीक है, ये ना सिर्फ अपनी पॉकेट्स भरते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि हमारी पॉकेट्स भरी जाएंगी वहाँ पे जाके अपनी आवाम को, पाकिस्तान को, इन चीज़ों को बदनाम कर देते हैं। जहाँ पे बात आती है आवाम की, वहाँ पे इनकी ईगो आ जाती है। तो ईगो क्यों है? आवाम बेचारी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर, आटा महंगा हुआ पड़ा है, मुर्गी हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है यहाँ पर। हम कह लें कि खाने के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान, इनके लिए ईगो इंपॉर्टेंट है। ये भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान की जो सूरत हाल रह रही है ना, जो आगे आ रही है, तो ये भी सब खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर इंडिया से मदद ले रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गंदम की जो कह लें कि वाफर मकदार में हम लोगों को मिल नहीं रही है। लोगों ने रिज़र्व, जो ताजर हैं खासतौर पर, उन्होंने रिज़र्व करके रखी हुई है। क्या कहना चाहते हैं कि आवाम बाहर लड़ रही है लेकिन ताजर जो हैं वो अपने खित्ते खोल नहीं रहे हैं? गलत कह रहे हैं ना, और करना भी नहीं चाहिए। देखो यार, जिस तरह ये आटा दिन ब दिन महंगा होता रह जा रहा है और लोगों को नहीं मिल रहा है, और जो बेच रहे हैं ना वो बहुत गंदा आटा है, तो ये गलत बात है। और जिस तरह अगर ये हालात रहेंगे ना, तो फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे, लोग एक दूसरे को खा रहे होंगे नोच नोच के, यही होने वाला है। इंडिया ने हमें ऑफर किया है कि 50 से 60 मन उनके पास कह लें कि लाख गंदम है, अगर पाकिस्तान चाहे तो उनसे ले सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान लेगा या नहीं? यार ले लेंगे, क्योंकि वो मुहावरा नहीं है कि एक टाइम वक्त के ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो ले लेगा। गला बना रहे हैं उनको। हाँ, काम निकलवाओ यार, अपना काम जैसे निकल रहा है। तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी यार, वो हमारी नीड भी है, और वैसे भी शर्मिंदगी की बात है आप कह रही हैं, वाकई में है कि मतलब एग्रीकल्चर कंट्रियों के भी हमारे पास कुछ नहीं है तो भाई लानत है। जाहिर सी बात है, हम भी कहते हैं कि लोगों को बताते हैं कि भाई पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर रही मुल्क है, यहाँ पर हर एक चीज़ जो सी है वो बहुत अच्छी उसकी पैदावार की जाती है, जिसके साथ हम ट्रेड करते थे गंदम की, रशिया को ले लें, किसी और कंट्री को ले लें, उसके साथ भी हमारी ट्रेड नहीं हो रही है। पाकिस्तान और दिन ब दिन गिरता जा रहा है और आवाम आपस में लड़ लड़ के मार रही है। हाँ, जैसे सुनने में आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है, तो अब भी हमारे पास आटा नहीं है, तो मतलब क्या होगा इस मुल्क का, तो भाई बेड़ा गर्क होने वाला है आने वाले दिनों में। तो ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, किस दौराहे की तरफ जा रहा है? पाकिस्तान कह लें कि हम ज़राई मुल्क है लेकिन गंदम नहीं है, खाने पीने की अशिया मिल नहीं मिल रही हम लोगों को, तो फिर किस लिहाज से हम कहते हैं कि हम एक ज़राई मुल्क हैं? हम तो कहते नहीं है, जिन्होंने कहावत बनाई हुई है उन्होंने ही बनाई हुई है कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है। शुरू से लेके अभी तक तो यार जिधर तक देखा जाए मांगा ही जा रहा है, कभी कर्ज़ा मांग रहा होता है, कभी पेट्रोल मांग रहा होता है, कभी गंदम मांग रहा होता है। तो यार ये मांगने का सिचुएशन जो है ना, ये चलती आई है जब से मैंने इस दुनिया में आँखें खोली। मांगने की सिचुएशन तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम सुनते आ रहे हैं कि हम इससे ये चीज़ मांग रहे हैं, इससे ये चीज़ मांग, खुद हम कुछ नहीं बना रहे हैं। और अगर हम अपने ताजरों की भी बात करें तो स्टॉकिंग की हुई है गंदम के कह लें कि, लेकिन आवाम को नहीं देनी। क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान लोग चेक भी नहीं कर रहे हैं जाकर, और जैसे कोरोना वायरस आया था तो जो मास्क थे उनकी स्टॉकिंग कर ली गई थी, इतने महंगे बेचे जा रहे थे, बिल्कुल गंदम भी वैसे ही हो रही है। यार पाकिस्तानियों के लिए ना बहुत अच्छा मुहावरा मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि अगर पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि कल क़यामत है,
ये रात को जाने नमाजें महंगी हो जानी हैं, तस्बीहें महंगी हो जानी हैं। ये नहीं किसी का ख्याल रखना कि यार कोई अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ लेगा, ठीक है। इनको मुश्किलात में ना एट द एंड इनको होता है कि यार बस किसी तरह हमारा फ़ायदा हो जाए, गरीब जो है पिसता तो पिसता रहे। ये नहीं है कि ताजर को बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, किसान को बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन वो कहते हैं कि यार अमीर होने की अपनी तरफ से पूरी ट्राई लगाते हैं कि यार किसी तरह कर लें हम, अब हम किसी ना किसी तरह करके आगे निकल जाएं, ठीक है। गरीब आवाम का किसी ने नहीं सोचना। मैंने लाइक आई सेड बिफोर, यहाँ पे अगर गरीब आवाम को अगर देखा जाए ना और मुल्क में कह दिया जाए कि ये कानून बना दिया जाए कि गरीब आवाम को मार दो, पहले यहाँ पे आपको लाशें बिछी हुई मिलनी। अच्छा, इंडियन आरएसएस कृष्ण गोपाल है, उन्होंने कहा है कि आप हमारे से गंदुम ले सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान अब गंदुम लेने के लिए इंडिया के सामने जाएगा या नहीं? देखें, इसमें कोई अना की बात नहीं है, ठीक है। आपके पास एक बेसिक नीड ही नहीं है, चीज़ ही नहीं है बेसिक। अगर कोई मुल्क आपको दे रहा है, ठीक है, तो आप ले लें, इसमें कौन सी अना की बात है यार, ये हम गंदम नहीं लेना चाहते तो नहीं लो भाई, खुद अपनी जो स्टॉक की भी है वो निकालो, ठीक है। आवाम को भी नहीं देनी, बाहर से भी नहीं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं आपको प्रेडिक्शन कर देता हूँ, अगर बाहर से भी गंदम महंगी फिर भी आटा महंगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हुक्मरानों को खाना आता है, ठीक है, अपनी जेबें गर्म रखो, गरीब जाए बाहर, ठीक है, इंडिया से ले लें, अफ्रीका से ले लें, चाइना से ले लें, इन्होंने जैसा है वैसी सिचुएशन ही रहनी है। जो दो तीन पार्टीज़ हैं जो अभी तक मुसल्लत हुई हुई हैं 1947 से लेके अभी तक, तो ऐसा ही रहना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। कोपियन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? ठीक है, आप सुनाएं। सर, पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज चल रही है और ताजर वगैरह इस चीज़ की स्टॉकिंग कर रहे हैं एंड काफ़ी महंगी हुई पड़ी है गंदम पाकिस्तान के अंदर, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये नाहलिया हुक्मरानों की मेरी नज़र में, क्या जिन्होंने अपने सासे बनाए, अपने बंगले कोठियाँ बनाई हैं, जबकि पाकिस्तान को जलीलो ख्वार कर दिया, ठीक है। इसको अगर बात करते चले ना, तो सिर्फ इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए काम किया और कुछ नहीं किया, जबकि जो गरीब आम है वो भूख से मारी है, भूख से पिस रही है, गुर्बत से मारी है, ठीक है। इनको चाहिए था कि गरीब आम को सोचते, जबकि इन्होंने अपने लिए सोचा बस। अच्छा, आजकल काफ़ी वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं जो कि देखी जा रही हैं कि आवाम जो उनसे रोटियों के लिए लड़ रही हैं, आटे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक ज़रई मुल्क होने के नाते हमने मतलब कि कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है हमारे मुल्क के अंदर। कौन सा ज़रई? आप मुझे पहले बताया कौन सा ज़रई मुल्क जो था वो भी ख़त्म, ठीक है। मानता हूँ कि पाकिस्तान जो है 75% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर ही क्या जिसको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए, ना कि पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इसके ऊपर अगर बात करनी चाहिए तो सारी रात गुजर जाए बात पे, ठीक है, लेकिन मैं मखसूस माउंड में बात ये करूँगा, ख़त्म करूँगा यहाँ पे, कि पाकिस्तान का बेरा गर्क कर दिया, ठीक है। जो थोड़ा बचा कुछ है उसको भी बेरा गर्क करने चले हैं ये हमारे हुक्मरान ताजिर जो है, ठीक है, जो जंगीर तरीन लोग हैं, खुद अपने सासे में आके मीर तरीन हो जा रहे हैं, जो गरीब हुआ उसको मार रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास जो है। अच्छा, इंडिया ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को गंदम, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? इंडिया की ऑफर मेरी नज़र में एक्सेप्ट करनी चाहिए, एक तरफ देखा जाए करनी भी चाहिए, एक तरफ नहीं भी करनी चाहिए। इन दोनों बातों में आपको दलील ये दूंगा कि क्या कहते हैं, नहीं जो जहाँ तक गरीब बात ना कि इंडिया की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने की, वो ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है। वो हो सकता है कोई प्रोपोगंडा हो, जैसे आपने पीछे न्यूज़ सुनी होगी कि वर्ल्ड बैंक का जो सीईओ है वो भी एक इंडियन है, ठीक है। ये इसलिए ये क्या वजह है इसकी आपको मैं कहूँ, ये बात ये है कि बीच में कि पाकिस्तान साल में 10 से 12 दफ़ा वर्ल्ड बैंक जाता कर्ज़ा लेने, तो उन्होंने इंडियन सीएम ना दिया कि ना पाकिस्तान आएगा ना कर्ज़ा मिलेगा, ठीक है, आगे इंडिया बैठा है। ऐसी ये गंदम देने का उन्होंने जो इरादा किया वो ये है कि पाकिस्तान खुद अपने मुँह से हेल्प मांगे, मदद मांगे। मुस्लिम कंट्री हो तो हेल्प होती है, जबकि गैर मुस्लिम कंट्री हो तो ये एक साजिश है, प्रोपोगंडा है मेरी नज़र में।